हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी। करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ पे अक्सर ये हम लोग बाजार से ही लाते हैं, और पंजाबियों का तो ये बहुत ही फेवरेट होता है और ये बहुत ही लाते हैं वो, और अक्सर वो करवा चौथ पूजने के टाइम पे उनको ज़रूरत होती ही है। अगर रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए, आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी लिया है मैदा, आधी कटोरी लिया है सूजी। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इसमें मैं डालूँगी ये जो शक्कर होती है यानी कि बूरा, वो डालूँगी। मैंने यहाँ पे ये आधी कटोरी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी देसी घी, मेल्टेड देसी घी डालिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेसिपी में वर्क करेगा। और इसे अच्छे तरीके से अब हमें मिक्स कर लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स करते जाना है जैसे जैसे हम सभी चीज़ें डालते जाएँगे, बहुत अच्छी तरीके से ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर जो आगे हमें चीज़ें इसमें डालनी है वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो पहले हमें घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और फिर इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। हाँ जी, बेकिंग पाउडर हम डालेंगे यहाँ पे, बेकिंग सोडा नहीं। और इसे भी अच्छी तरीके से हम सूखे सामान के साथ में मिक्स कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाएगा और ये बहुत अच्छी तरीके से मीठी मट्ठी को खस्तापन और एक कुरकुरापन देगा। सूजी भी बहुत अच्छी तरीके से ये हमारी मट्ठी को खस्ता बनने में हेल्प करेगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच सौंफ, मैंने इसी तरीके से हाथों में ही इसको क्रश कर लिया है। आप चाहे तो इसको किसी खलपट्टे पे या किसी चीज़ पे इसको मैश कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर क्रश करके लेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। मीठी मट्ठी में तो वैसे भी सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैंने यहाँ पर छोटी वाली जो मीठी सौंफ होती है उसका यूज़ किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है गुनगुना पानी भी, तो गुनगुना पानी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और हमें इन चीज़ों को सभी को मिक्स करना है, हमें कोई इसको गूंदना नहीं है। तो हमें जिस तरीके से पूड़ी का आटा लगाते हैं टाइट डो वो नहीं लगाना है, और जिस तरीके से रोटी का लगाते हैं सॉफ्ट डो वो भी नहीं लगाना है। तो हमें इसको पीच का ही आटा लगाना है और इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से बाइंड कर लेना है। सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, अब इन्हें हमें सिर्फ बाइंड करके लेना है। बहुत ही यकीन मानिए इतनी बढ़िया ये सुपर हिट रेसिपी है, आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं और घर की सभी चीज़ें डली हुई हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप अगर चाहें तो मैदा का यहाँ पे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, यूज़ ना करें, आटा ले सकते हैं, पर ये ट्रेडिशनली मैदा से ही बनती है तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ये आटा हमारा बनके हो गया है तैयार। तो चलिए मैंने चकले पे ले लिया है और इस तरीके से एक रोल बना लूँगी, और पहले इसको मैं इस तरीके से बड़ी लोई में डिवाइड करूँगी। बड़ी लोई इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि बाज़ार में अक्सर बड़ी ही मट्ठी मट्ठी मीठी मट्ठी मिलती हैं, तो अगर आप चाहें तो बाज़ार जैसी बड़ी मीठी मट्ठी बना सकते हैं, नहीं तो अगर घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा साइज़ छोटा ही रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने इस तरीके से इतने आटे में मेरे पास में निकल के आ गई हैं बड़ी 5 मट्ठी के लिए ये लोई, तो मैं इनको अभी और डिवाइड करूँगी। तो मैं इनको 2-2 पोर्शन और करूँगी, एक एक रोल इसमें से लोई में से। तो ये क्योंकि घर में बना रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको बनाकर अपनी बहन को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जिनके यहाँ पे ट्रेडिशन होता है, तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप घर की चीज़ें उनको देंगे खाने में तो ये बहुत अच्छी तरीके से वो खाएंगे, और बच्चों को भी बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी क्योंकि सभी चीज़ें इसमें घर की ही हैं। तो आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर आटे का ही यूज़ कीजिएगा, अगर आप वैसे बना रहे हैं त्यौहार के लिए तो आप इसको मैदे से बनाइएगा, या हाफ़ मैदा हाफ़ गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है,
मैदा कम किया है, क्योंकि सूजी का डालने से ये रहेगा कि इसमें खस्तापन रहेगा और हमें मैदा कम यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए अच्छी सी मैंने एक मट्ठी बेल के तैयार कर ली है और इसकी थिकनेस भी मैंने आपको दिखाई है, हल्की सी मोटी रखनी है ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट रहे और ये कुरकुरी भी बनी रहे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें सभी मट्ठी बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत बढ़िया से हम मट्ठियाँ सारी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल वगैरह कुछ भी लगाने की या सूखा आटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें घी अच्छी क्वांटिटी में है तो ये अच्छी तरीके से बिल जाएंगी। तो चलिए इन्हें सभी मट्ठी को हम बेल के कर लेते हैं तैयार। तो बाकी हमने रख दी है ढककर। अब हम ये जो चार हमने मट्ठी तैयार की हैं उनको सेक लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल पहले गर्म करके फिर हम उसको कर देंगे लो टू मीडियम गैस पे। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इनको हमें सेकना है। लो टू मीडियम गैस पे सेकेंगे तो ये अंदर तक सिकेंगी और ऊपर सॉफ्ट अंदर सॉफ्ट रहेंगी और ऊपर कुरकुरापन इनका बरकरार रहेगा और बहुत ही अच्छी ये अंदर तक सिक जाएंगे। तो चलिए ये देखिए कितना बढ़िया ऑयल हमारा गर्म था और ये कितनी अच्छे तरीके से मट्ठी सिक्के तैयार हो चुकी है। अब इनको पलटना बहुत केयरफुल है, क्योंकि हमें दो यहाँ पर पोनी कड़छी या छलनी जो भी आप बोलते हैं वो लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी तरह आप कोई एक स्पैचुला लीजिए या और एक छलनी ले लीजिए पूड़ी छानने वाली, और उससे आप इसको इनकी दोनों की हेल्प से इनको पलट सकते हैं, क्योंकि एक से हम नहीं पलट पाएंगे। जैसे हम पूड़ी का चोड़ी पलट लेते हैं, क्योंकि ये ऑयल के अंदर रहेंगी ये सॉफ्ट रहेंगी, जब तक ऑयल से बाहर निकलने के बाद में ये अच्छी कुरकुरी हो जाएंगी तो तब हम इनको हैंडल कर सकते हैं। अभी हम इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हमें सेकने के लिए इस तरीके से दो पोनी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसी तरीके से हमें इनको निकाल लेना है और निकालने के बाद में ये एक से दो मिनट के अंदर ही बहुत अच्छी तरीके से कुरकुरी हो जाएंगी। और अभी देखिए ये कुरकुरापन कितना अच्छा इनमें दिखाई दे रहा है। इनका जब गुलाबी कलर हो जाएगा तब तक हमें इनको सेकना है। ज़्यादा नहीं सेकेंगे और ना ही कम सेकेंगे, क्योंकि ऑयल में जब तक पूड़ी पराठे या कुछ भी रहता है वो अपना डार्क कलर दिखाता है और बाहर निकलने के बाद में वो लाइट हो जाता है। तो हल्का सा हमें इसको गुलाबी कलर तक ही लाना है। ये देखिए मट्ठी हम जब डालते हैं तो इसमें एक झाग सा रहता है, तो इसको झाग को हमें सेटल होने देना है। जब झाग बैठ जाएंगे तब ये समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक सिक चुकी है। ये एक तरीका है पूड़ी और पराठे या कचौड़ी सेकने के तरीके का देखना। और ये देखिए अब इसी तरीके से हमें दोनों पोनी की हेल्प से इनको पलट लेना है। एक से बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये अभी इस टाइम पे बहुत ही सॉफ्ट है और इनको